हेलो करो सब, कहाँ जा रहे हो तुम? हम गांव में जा रहे अच्छा हला लाला, ये है बकरी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। जय श्री राम। आप सभी को राम मंदिर उद्घाटन की हार्दिक शुभकामनाएं एंड बधाइयाँ। और मैं होप करता हूँ कि भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि हम सभी लोगों पे, आप सभी लोगों पे बने रहे। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। टाइम हो रहा है अभी सुबह के 11 बजे। नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपने एक न्यू ब्लॉग में। और आज हमारे गांव में राम मंदिर उद्घाटन के उपलक्ष में कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं, तो हम भी रेडी होते हैं, अभी तैयार होते हैं और चलते हैं गांव की शहर की ओर। तो हम भी होते हैं नहा धो के रेडी और हमें जाना है उधर साइड। और ये रहा हमारा गांव का नज़ारा। वो देखो, भाभी जी हाथ में तो हो रही है, वहाँ पे भाभी जी भी जाएगी। और वो रहा बड़गुना, हमारा ही गांव है, वो भी बड़गुना नाम है वहाँ का। और मैंने जाना है इस साइड को, तो चलते हैं आगे, बने रहिए ब्लॉग में। नहीं, आ जा, आ ला ला, ये है बकरी। हेलो करो सब, कहाँ जा रहे हो तुम? हम गांव में जा रहे। अच्छा, जाओ जाओ। तो हम हो चुके हैं रेडी, हम गांव के लिए रेडी हो चुके हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में जो कार्यक्रम हमने पहाड़ी कल्चर में रखा हुआ है, उनके स्वागत में जो कार्यक्रम रखे हुए हैं, मैं आपको उनको भी दिखाता हूँ। चलते हैं, मैं हो चुका हूँ रेडी। आज का आउटफिट ऐसा है मेरा, ये छोटू है मेरे साथ, रिश्ते में तो अंकल जी बोलता है ये मुझे। चलता चल, देखिए कितना ज़्यादा स्लाइडिंग है यहाँ से, और यहाँ से लेकर सारा इतना नीचे तक स्लाइडिंग हो रखा है वहाँ तक। भाई हमारे यहाँ रोड आने की वजह से फ़ायदा तो है, लेकिन उतना ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे, सीरियसली। तो हमने इधर पे जाना है, वहाँ पे भजन भजन हो रहे हैं, कीर्तन भजन हो रहा है। तो अभी राम जी की स्वागत में स्वागत गान हो रहा है वहाँ पे। तो हमारा गांव का व्यू इस प्रकार से है कुछ। तो आज या कल में बर्फ़ पड़ने की संभावना पूरी पूरी है हमारे गांव में। जब बर्फ़ पड़ जाएगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो फाइनली दोस्तों राम कार्य भी पूरा हुआ। तो राम जी के स्वागत में जो भी कार्यक्रम हुआ था वो संपन्न हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपनी पुरानी स्कूल पे, जहाँ से मैंने 10th आउट किया है। यहीं से मैंने 10 पास किया है, और मुझे इस स्कूल के देख के अपनी याद आ गई है। वो वाला गांव दिख रहा है, उस गाँव के जितने भी बच्चे हैं वो भी यहीं आते हैं पढ़ने के लिए 10th तक, क्योंकि वहाँ स्कूल नहीं है, तो इस वाली स्कूल में आते हैं वो भी पढ़ने के लिए। वाली रही प्राइमरी स्कूल, हमारे गांव में 5 प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें से एक ही है क्योंकि गांव बहुत बड़ा है। तो और ये रहा हाई स्कूल, ये रहा हमारा गांव, और ये हुआ अभी का व्यू, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों हमारे साथ चल रहे हैं अभी हेमंत, हेमंत नाम है ना तेरा, क्या नाम है, हेमू। तो ये बना था हनुमान, आज का रामलीला का हनुमान ये रहा। तो हम हनुमान जी को अपने घर ले के चले गए। तो मैं पहुंच चुका हूं अभी अपने घर पे, दुकान से मैंने आज खाना भी नहीं खाया, दुकान से अभी आ रहा हूं थक के घर। तो पहुंच गया हूं मैं फाइनली अपने घर पे। आज ला रखा हूं मैं बैंगन, आज बनेगा बैंगन का भरता। तो यहाँ आज मम्मी भी नहीं है, देखता हूँ क्या बनाया है खाने में, कुछ बनाया होगा तो ठीक है। ये लकड़ियाँ पता है मैं ला रखा सारी की सारी जंगल से, तो आजकल ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो लकड़ियाँ लानी पड़ती हैं। ये रहे हमारे माननीय आदरणीय उप प्रधान जी, और ये हमारे मोहल्ले की 22-24 परिवारों की वार्ड मेंबर जी। तो आज का कार्य हुआ संपन्न, इसी के साथ ब्लॉग के एंड करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हैप्पी नेगी, आप सभी को मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय कर दो।